लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई में असर न पड़े इसके लिए जवा में विद्यालय संचालकों और शिक्षकों ने बच्चों को उनके घर पर किताब पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। इसके साथ गांव में लाइब्रेरी के माध्यम से छात्रों को शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। शिक्षकों की इस पहल का सभी ने सराहना की है। लॉकडाउन के दौरान बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिसको देखते हुए रीवा के जवा में विद्यालयों के संचालक छात्रों की मदद के लिए आगे आए हैं। शिक्षकों द्वारा सभी बच्चों की पढ़ाई की वस्तुओं को घर तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। गौरतलब है कि जवा तहसील के अंतर्गत हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनके घर वाले आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में दर्जनों बच्चों को शिक्षित करने का जिम्मा गाँव की ही दो बच्चियों अंजू और पूनम ने उठा लिया है। इन बच्चियों द्वारा विज्ञान पुस्तकालय खोलकर इन बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का काम किया जा रहा है, जो खुद पढ़ती हैं और खाली समय में इन बच्चों को भी पढ़ाती हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।